आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो है एक मूवी का ट्रेलर जिसका टाइटल है धमाका। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है राम माधवनी ने। और इसकी प्रोडक्शन की बात करें उसमें है रोनिश क्रियोवाला, अमिता माधवानी और राम माधवानी। और स्टारकास्ट की बात करें तो स्टारकास्ट में कार्तिक आर्या, मरुनल ठाकुर और इसके अलावा हैं अमृता हैं और उसके बाद विकास और विश्वजीत हैं। वेल, अगर हम बात करें इस मूवी की तो ये एक थ्रिलर फिल्म है और टाइटल से भी लग रहा है कि मतलब इस तरह का जो कि मतलब पोस्टर वगैरह हम लोगों ने देखे हैं काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और स्पेशली मैं कार्तिक की लुक की बात करूंगी, वो मजीद हम लोग कैसे बोलते हैं ट्रेलर देखेंगे बाद डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ऑफिशियल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम पर लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ट्रेलर। आज है संडे, टाइम 9:30। मैं हूँ अर्जुन पाठक, ओनली ऑन रेडियो भरोसा। हमारा नाम रघुवीर माता है और हम सीलिंग को उड़ाने वाले हैं। वापस 15 मिनट में फोन करेंगे आपको। ये मेरा एक्सक्लूसिव है, आप बस मुझे प्राइम टाइम की सीट वापस दे दो। तुम्हें तुम्हारी प्राइम टाइम की सीट मिल जाएगी। हम न्यूज रिपोर्ट नहीं करते, बेचते हैं। तुम बस हमारी रेटिंग्स ऊपर लाओ। मैं हूं अर्जुन पाठक और आप देख रहे हैं भरोसा 24/7। जो भी कहूंगा सच कहूंगा। आज मैं एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उस टेररिस्ट से बात करूंगा जिसने सीलिंग पर धमाका किया। रघुवीर जी, आप क्या चाहते हैं? मिनिस्टर जयदेव पाटिल को फोन करिए। चलिए, हम बस उनसे एक सॉरी चाहते हैं। अगर वो नहीं आए तो सब मरेंगे। ब्रिज पे सौम्या जी आपकी पत्नी है ना? मैं हूँ सौम्या मेहरा पाठक। मैं जब भी कहूंगी आई लव यू कहूंगी। आई लव यू के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। Do you love me? हम आपको 10 मिनट देंगे मंत्री जी को बुलाने के लिए। मंत्री जी यहाँ पे क्यों नहीं आ सकते? उन्हें सिर्फ माफी तो मांगनी है, जनता की सेवा की। गॉड डैमिट, मैं तुम्हें अभी भी बचा सकती हूँ अगर तुम वो बोलोगी जो कंपनी चाहती है। अगर माफी नहीं मिली तो पूरा ब्रिज उड़ा दूंगा। पाठक जी, जी मैं उम्मीद करता हूँ कि आखिर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी मैं भी उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वेलकम टू द शो। कार्तिक आर्यन की सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि हमने उन्हें जब भी किसी मूवी में देखा है एक एज ए चॉकलेट हीरो के तौर पर हमने देखा है, लेकिन आज उनकी इस मूवी की मैं बात करूँ ना तो वाकई एक बहुत डिफरेंट लुक में वो नजर आ रहे हैं। And I'm happy कि हम लोग डिफरेंट रोल में देख रहे हैं और डिफरेंट लुक के साथ देख रहे हैं, क्योंकि जो रोल वो प्ले कर रहे हैं उसमें ऑब्वियसली बहुत हमें इंटेंसिटी भी देखनी नजर आएगी, जैसे कि इमोशंस की। और जहां तक मुझे स्टोरी समझ में आई है, लाइक पहले वो रेडियो जॉकी होते हैं आई थिंक, फिर जब वो कॉल रिसीव करते हैं और उसके अंदर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं, जैसे कि अगर एक चैनल को अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। उनको तो सिर्फ अपनी न्यूज जो है वो सबसे पहले चलानी और सबसे वो कहते हैं कि टीआरपी जो है वो बस अच्छी होनी चाहिए, रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, तो उस पे दिखाया हुआ है कि कितना ज्यादा फोकस जो है वो किया जाता है। नो डाउट, वैसे अगर आजकल चैनल्स की बात की जाए तो वो टीआरपी बढ़ाने के लिए अपने आप को जो है ना वो एक लेवल पर लाने के लिए बहुत ज्यादा वो इस तरह करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करना चाहूंगा इफेक्ट्स की। जो इफेक्ट्स इस्तेमाल किए गए हैं वाकई बहुत कमाल के हैं। जैसे स्टार्टिंग में हम बात करें, जो कॉल सबसे पहले उन्हें आई वहां पर उन्हें कहा गया कि थोड़ी देर में सीलिंग पर धमाका होगा और वो उन्होंने आई थिंक उस टाइम उसे एक मजाक समझा, ठीक है। और जब वो धमाका हुआ तो उसके बाद जरा उन्हें जो है एक वो चेंज आया उनमें। एक चीज जो मुझे थोड़ा क्यूरियोसिटी
पब्लिसिटी हो रही है जिस चीज की कि वो ये कि उन्होंने मतलब इन्हीं को क्यों चूज किया होगा, जो टेररिस्ट है उसने कॉल करने के लिए इनको क्यों चूज किया होगा, कोई और भी तो हो सकता है ना। तो आई थिंक ये जो कनेक्शन है ना वो देखने का काफी ज्यादा मजा आएगा। वैसे भी ये जो मूवी है ये रीमेक है एक साउथ कोरियन मूवी जिसका नाम है द टेरर लाइव, जो कि 2013 में आई थी, उस पर बेस करती है। बट मैं कहूंगी मरुनल ठाकुर की भी मैं बात करना चाहूंगी। लास्ट टाइम पर जो मैंने उनकी मूवी देखी थी तूफान देखी थी, उसमें मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा उनका काम था। और आज भी जो हम लोग देख रहे हैं ट्रेलर, इसमें भी मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि जिस तरीके से आई थिंक वो रिपोर्टर बनी हुई है शायद उस मूवी, मतलब इस चैनल की या इस चैनल की रिपोर्टर बनी हुई है। तो वो एक मुझे लगता है कि काफी वो जो थ्रिल है वो देखने का मजा आएगा इसको देखना। मुझे थोड़ा सा वो जो जैसे हम लोग देखते थे ना, हम लोगों ने वेब सीरीज देखी थी असुर में एक थ्रिल था कि कौन है वो असुर, कॉल आती थी पता नहीं था चलता कहां से आ रही है। तो मुझे वो थोड़ा बहुत लग रहा था कि वो वाला थ्रिल हमें इसमें शायद देखने को मिलेगा, उससे शायद मिलता जुलता, लेकिन क्योंकि ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है तो इसमें नो डाउट हमें एक जो है वो जो एक्शन वाली चीज है वो भी देखने को मिलेगी। लेकिन जो है ना जिस तरह की यानी कि हमने भी देखी है एक पूरा का पूरा ऑफिस जो है वो भी जो है देखे तबाह हो गया, तो यानी कि जहां तक मुझे सेंस हो रही ना कि कोई ना कोई एक बंदा बीच में से ऐसा जरूर होगा जो इनका अपना भी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि देखा जाए ना तो वो कुछ इस तरह का ट्रेलर एंड तक पहुंचते पहुंचते हो जाता है कि जो टेररिस्ट दिखाए हुए हैं या जो भी इसमें दिखाया है वो उनके ऑफिस तक पहुंच गए हैं। वेल ये मुझे नहीं पता, बट शायद प्री प्लान्ड, क्योंकि मिनिस्टर्स जो हैं उन्होंने कुछ इस तरह किया हुआ है कि वो जो है बदले की है भावना में। बट ये कि ग्राफिक्स जो यूज किए गए हैं वो वाकई में बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, क्योंकि जो सीलिंग का स्पेशली देखें हम लोग वो बड़ा एक मैं कहूंगी कि मौजम आई थिंक जो पूरी स्टोरी है वो उसी पर बेस करेगी, उसी के अराउंड रहेगी, तो उसका बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल है, मतलब उस और, मतलब पूरी हम कहेंगे कि क्या एक फ्रेम का मुझे बिल्कुल लगता है। और जहां तक अभी ट्रेलर देखे मुझे एक चीज जो है वो फील हुई है कि ये जो है ना एक बहुत लिमिटेड स्पेस में जो है मूवी बनी हुई है, कोई इस पे ज्यादा लोकेशन जो है वो नहीं इस्तेमाल कभी देखने में इस तरह का ही आपको फील आ रहा है। इसको एक और मौजम लोकेशन की बात थी ना, तो लोकेशन को लेकर मौजम फिर वो जो अभी रिसेंटली एक वेब सीरीज आई थी 2611, तो उसके बारे में भी मतलब अगर देखा जाए तो वो भी एक हॉस्पिटल में बनी हुई है ना, मुंबई डायरीज। तो वो भी देखा जाए तो वो भी मुझे ऐसा लगता था कि इसी तरह एक लोकेशन में बनी हुई है। बट ये कि मुझे एक चीज जो है ना बड़ा, हम जितनी भी कोई इस तरह के मूवीज देखते हैं, मुझे ऑनेस्टली बोलूं मुझे जो मीडिया है ना उसका रोल जो है बड़ा नेगेटिव लगता है, सीरियसली बोलूं, क्योंकि मीडिया बहुत अच्छा पॉजिटिव भी उसकी साइड है, बट एक नेगेटिव साइड जो मुझे लगती है वो ये कि खुदा ना खासे जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है ना तो मीडिया के हर जो जितने भी मीडिया हाउसेज हैं सबकी कोशिश होती है हम सबसे पहले न्यूज दे दें और सब कुछ दिखाएं। तो ये चीज गलत होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर आप ना उन लोगों को जो कि गलत लोग हैं उनको मैसेजेस दे रहे हो, इन्फॉर्म कर रहे हो ऑलरेडी कि सिचुएशन कैसी चल रही है, कैसे हैंडल की जा रही है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन में ना थोड़ी रोक टोक होनी चाहिए मीडिया, थोड़ी नहीं मैं काफी ज्यादा होनी चाहिए, बहुत सारी ऐसी जगह नहीं जहाँ पे उन्हें एंटर नहीं होने देना चाहिए, लेकिन फिर वो अगर इस तरह हो जाए तो फिर वो एक बात रहती है कि सहाफत आजाद नहीं है, वो जो है उन्हें वो बाउंड किया जा रहा है। तो नो डाउट कई जगहें ऐसी होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, वही ना कई जगहें ऐसी होती हैं जहां पर जो है आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है चीजों को। बट देखो ये पॉइंट ना वाकई में ये डिबेट बहुत लंबी हो जाती है, बट समझना अगर हम चाहें ना तो हमें अच्छे से समझ आ सकती है। सही बात है कि सहाफत जर्नलिज्म भी उस हद तक ही अच्छी लगेगी अगर आप उसमें प्योर होंगे, अगर आपको पैसा कमाना है, आपको व्यूज लेने, आपको टीआरपी बस उसके लिए चाहिए, तो फिर वो आप जर्नलिज्म नहीं कर रहे, ठीक है, वो आप अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। दूसरी साइड पर अगर देखा जाए बहुत सारे लोग, बहुत सारी हम कहेंगे कि ऐसी चीजें सेंसिटिव चीजें होती हैं जो कि मेरा ख्याल में उस टाइम पर बाद में आप डिस्क्लोज कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, उस पर कोई मना ही नहीं है, लेकिन आई थिंक उस टाइम पर आपको थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। बाकी मैं यहाँ पे कार्तिक आर्यन की फर्स्ट लुक और जो है बाद में जो है एज ए जर्नलिस्ट लुक की बात करना चाहूंगा, मुझे लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है कि वो एक डिफरेंट मूवी में काम कर रहे हैं, उन्हें हम जो है एक चॉकलेट हीरो के अलावा हम
हम एक दूसरे रोल में भी देखेंगे, उन्हें और भी इस तरह के रोल्स करने चाहिए। हर जो एक्टर है नो डाउट हर बंदा एक हीरो बनना बनने आता है, लेकिन उसे जो है ना डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के रोल्स भी जो है वो भी देने चाहिए, ताकि उसके दूसरे टैलेंट्स का भी लोगों को पता चल सके। आई थिंक आपको ना मजा ही तब काम करने आता है जब आप डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स में जाते हो, उसको ट्राई करते हो। आप मुझे लगता है कि एक तरह के जब आप करेक्टर करना शुरू हो जाते हैं ना, लोग भी फिर आपसे थोड़ा बोर हो जाते हैं। बट ये कि मुझे कार्तिक की लुक भी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वो जो एक बिल्कुल एक चॉकलेट लुक से थोड़ा सा ये ना मैच्योर लुक मुझे वैसे ज्यादा पसंद आई है कार्तिक के। एनीवे गाइस, आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये मूवी का ट्रेलर। हम लोगों को तो वैसे अच्छा लगा, और मैं वैसे ऐसी मूवीज काफी इंटरेस्ट के साथ देखती हूँ, क्योंकि मुझे जो मुझे जो सोशल आपके इश्यूज होते हैं मुझे उन पर मूवीज देखना काफी पसंद आता है। और इवन की जो वेब सीरीज भी हम देखते हैं मौसम, उसमें ज्यादातर यही चीजें दिखाई जाती है। वेल गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी। इसी के साथ हमें इजाजत, मेरे वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, गुड बाय।